स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रैली निकालने जा रही है और इसी क्रम में रायपुर में भी आज कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस आयोजित होने जा रहा है। आयोजन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ध्वजारोहण करेंगे और इसके बाद संविधान बचाओ देश बचाओ रैली निकाली जाएगी। रैली में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। नागरिकता संशोधन कानून सहित कई मुद्दों पर रैली निकाली जा रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारा संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, जैसा कि संविधान बचाओ रैली आज आयोजित की जा रही है लेकिन मौका आज के दिन बहुत खास है क्योंकि आज स्थापना दिवस भी है कांग्रेस का, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपना 135वां स्थापना दिवस मना रही है और करीब 10 बजे के आसपास जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है वो राजीव भवन जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। ये शहर का अंबेडकर चौक है, यहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी है वो अब इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी, उस रैली को नाम दिया गया है भारत बचाओ संविधान बचाओ। इसके जरिए जो CAA और NRC है उसका विरोध किया जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो पीसीसी के और तमाम जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जो नवनिर्वाचित पार्षद है रायपुर के वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में यहाँ पर रैली निकाली जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अम्बेडकर की प्रतिमा है, अम्बेडकर की प्रतिमा को मालार्पण कर यहाँ पर रैली निकाली जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे और आज एक खास मौका है कांग्रेस के लिए क्योंकि स्थापना दिवस है कांग्रेस का और इसके जरिए कांग्रेस एक भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली निकालने जा रही है। ये पूरी रैली की अगर बात की जाए तो बाबा साहब मोहम्मद काम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी माल्यार्पण जो अम्बेडकर की मूर्ति है प्रतिमा है उसका माल्यार्पण यहाँ पर करेंगे। अब देख सकते हैं सीधी तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ देर में माल्यार्पण के बाद भारत बचाओ संविधान रैली है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। तख्तियाँ आप देख सकते हैं जो कांग्रेसी है वो यहाँ पर तख्तियाँ रखे हुए हैं, भारत बचाओ संविधान बचाओ उसमें लिखा हुआ है और न सिर्फ रायपुर बल्कि पूरे देश में ये रैली निकाली जा रही है क्योंकि कांग्रेस का आज 135वां स्थापना दिवस है। इस रैली के बाद जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है वो कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे, वहाँ पर एक ध्वजारोहण होगा। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं और तमाम जो पदाधिकारी है, चाहे बात की जाए नवनिर्वाचित पार्षदों की, इसके अलावा पीसीसी पदाधिकारियों की, सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मंत्रियों की भी आने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे या नहीं अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन उम्मीद तो है क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया गया था तो शामिल हो सकते हैं। सीएम जो शिक्षा मंत्री हैं मरकाम वो भी यहाँ पर मौजूद है। मोहन मरकाम अभी जो अम्बेडकर की प्रतिमा है वहाँ पर जो माल्यार्पण किया है उनसे ज्यादा जानकर मोहन मरकाम नीचे उतर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष हैं और यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज कितना खास दिन कांग्रेस के लिए है क्योंकि 135वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है। तो मोहन मरकाम जी से बात करने की कोशिश करते हैं। मरकाम जी, खास दिन है कांग्रेस के लिए, इसके जरिए भारत बचाओ संविधान बचाओ रैली निकाल रही है कांग्रेस पार्टी का 135वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमारे देश की आजादी, देश के नवनिर्माण में कुर्बानियां दी और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ तोड़ने का काम कर रही, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास कर रही है। हम देश की जनता को, प्रदेश की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं, संविधान बचाओ भारत बचाओ हम नारा दे रहे हैं ताकि हम देश को एक सूत्र में बांध सकें। ये पिछले अध्यक्ष मोहन मरकाम थे जिनका साफ कहना है कि बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रही है, कांग्रेस देश को जोड़ने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भाईचारे के साथ जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है वो चल रही है और कल जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर रायपुर आए हुए थे उन्होंने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाईचारे के साथ यहाँ पर सरकार चल रही है, सबको साथ लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अपना काम कर रही है।
जी हेमंत साथी, आपसे जानना चाहेंगे संख्या बल कितना रहने वाला है, यानी कितनी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। और दूसरी चीज, आपने हालांकि कुछ नाम का जिक्र भी किया और कुछ से खास बातचीत भी करने की कोशिश की, लेकिन बड़े चेहरों की बात कर ली जाए, कौन कौन इस रैली में नजर आने वाला है या आया है। और दूसरी चीज, जैसा की खबर है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसमें शामिल होंगे, कब तक वो शामिल होंगे? देखिए, अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और जो शिक्षा मंत्री हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम, इसके अलावा जो पीसीसी के तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर और बड़े चेहरों की बात की जाए तो वो अभी यहाँ पर रैली में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रैली गांधी मैदान जहाँ पर कांग्रेस का पुराना मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय है, वहाँ तक जाएगा। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक और दो बड़े चेहरे, एक से दो बड़े चेहरे इस रैली में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सीएम भूपेश बघेल की इस रैली में शामिल होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि अभी क्लियर उनका यहाँ पर आगमन जो होना था वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पहले से नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो पहले पहुंच जाते हैं स्थिति का जायजा लेने। तो ये उम्मीद कम है कि सीएम भूपेश बघेल शामिल हों। हालांकि तमाम जो पदाधिकारी हैं पीसीसी के, इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, वो सभी इस रैली में मौजूद है। और देख सकते हैं तस्वीर, अब रैली की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अब ये रैली की शुरुआत हो चुकी है। रैली यहाँ से शुरू होकर गांधी मैदान तक जाएगी और वहाँ पर संबोधन होगा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का। दूसरा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक बाद जल्द